खबर गुजरात से सामने आ रही है, जहां पर भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। गुजरात के गिर सोमनाथ में डैम ओवरफ्लो होने की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद प्रशासन ने डैम के सभी दरवाजे खोल दिए हैं। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव भी देखा जा रहा है। सड़क से लोगों के बेडरूम तक पानी घुस चुका है, इतनी ज्यादा बारिश वहां पर हुई है। डैम के सभी गेट खोले गए हैं, तस्वीरें आपके सामने। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक लोग बाढ़ और बारिश से बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन खबर क्या है, सबसे पहले आपको जल्दी से बता देते हैं, गुजरात के गिर सोमनाथ में डैम जो है ओवरफ्लो हो चुका है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी है। प्रशासन ने डैम के सभी दरवाजे खोल दिए क्योंकि इतना ज्यादा डैम में पानी आ गया था, जिसके बाद भारी बारिश से कई इलाकों में जो है जल भराव हो गया। जाहिर सी बात है, जब डैम के दरवाजे खोले गए हैं तो ऐसे में वो पानी जो है सारा निचले इलाकों में जा रहा है। अब सड़क से लोगों के बेडरूम तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी, और ऐसे में लोगों की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ गई है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ओवरफ्लो डैम, पानी में गायब सड़कें, सड़क से बेडरूम तक पानी, ये हाल गुजरात के गिर सोमनाथ का है, जहां भारी बारिश की वजह से नदियों के अलावा कई डैम ओवरफ्लो हो गए। मूसलाधार बारिश की वजह से डैम में इतना ज्यादा पानी बढ़ गया कि प्रशासन को उसके सभी दरवाजे खोलने पड़े। डैम के दरवाजे खोलने की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गिर सोमनाथ में दूसरी जगह का हाल भी कुछ अलग नहीं है। क्या सड़क, क्या मकान और क्या दुकान, भारी बारिश की वजह से सभी पानी में डूबे दिखाई दिए। सड़क से लेकर लोगों के बेडरूम तक पानी ने मानो घुसपैठ कर ली हो, और इसी पानी के बीच लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गिर सोमनाथ के बेरावल में करीब 200 मकान इस वक्त जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। तो देश के कई हिस्सों में बारिश से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। एक तरफ जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान है। छह तस्वीरें आपके सामने, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। गुजरात के कई इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। तो गुजरात के गिर सोमनाथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ बारिश में डैम ओवरफ्लो हो चुका है, नदियों में उफान साफ तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, गिर सोमनाथ मंदिर जो है वो पूरी तरीके से डूब चुका है, पुल पर सैलाब की तस्वीरें। गुजरात के गिर सोमनाथ में हालात कैसे खराब होते जा रहे हैं, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल गुजरात के गिर सोमनाथ में त्रिवेणी घाट जलमग्न है, और आपको बता दें कि त्रिवेणी घाट की सभी सीढ़ियां जो है वो डूब गई हैं। यहां देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, किनारे बने छोटे यहाँ जो घर है और मंदिर नुमा जो तस्वीरें में नजर आ रहा है, वो सभी यहाँ पर डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। ये घाट पूरा इस वक्त पानी में समा चुका है। तो गिर सोमनाथ मंदिर के साथ साथ त्रिवेणी घाट भी पूरी तरीके से डूब चुका है, यानी कि सड़कें, लोगों का घर, खेत खलियान, स्कूल कॉलेज सब कुछ डूब चुके हैं। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। ये गुजरात के गिर सोमनाथ का त्रिवेणी संगम घाट है, जहां इस वक्त सिर्फ पानी ही पानी है। घाट की सीढ़ियां तो जल समाधि ले चुकी है। जो घाट कभी लोगों से गुलजार हुआ करता था, वहाँ इस वक्त दूर दूर तक बस पानी का कब्जा है। त्रिवेणी संगम घाट से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा, उसके लिए ये फर्क कर पाना मुश्किल हो गया कि ये कोई घाट है या फिर समंदर, क्योंकि भारी बारिश की वजह से सरस्वती, कपिला और हिरण नदी में उफान आ गया है। त्रिवेणी संगम घाट वही जगह है जहां ये तीनों नदियां समंदर से मिलती हैं, लेकिन फिलहाल मूसलाधार बारिश की वजह से ये घाट पानी में समा चुका है। तो वहीं घाट के किनारे बने छोटे मंदिर भी जलमग्न हो चुके हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों से उफनती नदियों के किनारों से दूरी बनाए रखने की अपील की है।